फिल्म इंडस्ट्री में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बेबाक बोल के लिए काफी ज्यादा मशहूर रहे हैं। ये इंडस्ट्री में एक ऐसे आउटसाइडर के तौर पर जाने जाते हैं जिनका इंडस्ट्री में कोई भी माई बाप नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। शक्ल सूरत और कद काठी बिल्कुल भी किसी अच्छे कलाकार के तौर पर नहीं थी, लेकिन नवाज ने ये सभी को बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। फिल्मी सफर की बात करें तो 1999 में आई फिल्म शरफरोश में इन्होंने पहली बार काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने टेररिस्ट इन्फॉर्मर का किरदार निभाया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इस फिल्म में आमिर खान की अदायगी को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद किए थे। और ठीक इसी फिल्म के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने तीनों खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के साथ फिल्में कर चुके हैं और इन सभी के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कभी वॉचमैन की नौकरी करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इतना बड़ा स्टारडम कैसे हासिल कर लिया। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक जाने माने अभिनेता हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, मांझी, द माउंटेन मैन और किक में अपने रोल से पहचान कमाई है। नवाज का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक जमींदार मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता स्वर्गीय नवाबुद्दीन सिद्दीकी किसान थे और एक आरा की मशीन चलाते थे। उनकी माता का नाम मेहरुन्निसा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके 6 भाई और 2 बहनें हैं। उन्होंने अपने गांव की पुरानी मित्र अंजलि से शादी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक बेटी शोरा और बेटा यानी है। पढ़ाई की तरफ नजर डालें तो नवाज ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बीएस इंटर कॉलेज बुढ़ाना में पढ़ाई की है और आगे की पढ़ाई के लिए हरिद्वार चले गए थे। यहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान में डिग्री की पढ़ाई करने के बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में दाखिला लिया। अपने कॉलेज के दिनों में वो चित्रकला और नाटक प्रतियोगिताओं में सक्रिय भागीदार हुआ करते थे। अपने संघर्ष भरे दिनों में वो बड़ोदरा में एक केमिस्ट की दुकान पर काम करते थे। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो दिल्ली आ गए और थिएटर में शामिल हो गए। थिएटर में उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे तो उन्हें चौकीदार के रूप में काम करना पड़ा। इसके बाद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए। एक्टिंग सीखने के बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए 2004 में मुंबई का रुख किया। मुंबई में रहने के दौरान नवाज को सबसे बुरे समय का सामना भी करना पड़ा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आमिर खान की फिल्म सरफरोश में अपना पहला ब्रेक मिला। इसमें उनकी बहुत ही छोटी भूमिका थी। उन्होंने 2003 के कॉमेडी ड्रामा मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक चोर की भूमिका निभाई। इस फिल्म के मुख्य कलाकार सुनील दत्त और संजय दत्त थे। नवाज को फिल्म लंच बॉक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संघर्ष भरे दिनों में बहुत बुरे दिन भी देखे थे और 2004 में जब वो मुंबई आ गए थे तो ये साल उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक था। उन दिनों पैसे ना होने के कारण वो किराए के मकान में भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने एक सीनियर की मदद ली। वो उनके घर रहने लगे, लेकिन वहां उन्हें अपने और सीनियर का पूरा खाना खुद बनाना पड़ता था। मुंबई पहुंचने के बाद नवाज फिल्मों में एक रोल करने को लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। किसी तरह फिल्मों में एंट्री हो गई, लेकिन जब नवाज अपने गांव जाते तो लोग उन्हें गाली दिया करते थे। दरअसल नवाज फिल्में तो कर रहे थे, लेकिन उनकी कद काठी और रंग देखकर काफी छोटे रोल ऑफर होते थे। मुंबई में अभिनेता बनने गए किसी के लिए बस किसी रोल की दरकार थी। वो रोल छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता है, नवाज भी यही कह रहे थे। लेकिन इन छोटे रोल में नवाज को गांव वाले देखकर काफी गाली देते थे। उनके पिता भी कहते थे कि क्या फिल्मों में पिटकर आ जाता है। हालांकि इन फिल्मों में किए गए रोल पर माँ बाप भी कोसते थे। उनकी किस्मत और छवि तब बदली जब अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली। उन्होंने इस फिल्म में मुख्य कलाकार का किरदार निभाया। इसके बाद जब नवाज अपने गाँव गए तब लोगों ने तालियां बजाई और उनके पिता ने भी कहा, अब मेरा बेटा पिटकर नहीं बल्कि पीटकर आया है। इसके बाद वो पीपली लाइव, कहानी, पान सिंह तोमर, बदलापुर मांझी और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में उनकी अदायगी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया।